अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को अबू बकर सदीक ऑफिशियल चैनल पे वेलकम। तो आज मैं आपको इमामा शरीफ बांधने का तरीका बताऊंगा कि इमामा शरीफ कैसे बांधा जाता है। तो चलिए देखते हैं इमामा शरीफ कैसे बांधा जाता है। सबसे पहले तो आपने एक कैप ले लेनी है, ठीक है, जो भी आपका साइज़ होगा उस साइज़ की आपने कैप ले लेनी है, ठीक है। तो वो कैप आप पहन लें। उसके बाद इमामा शरीफ के लिए आपने कोई भी अच्छा सा कपड़ा लेना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास कॉटन स्टफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ये 5 फुट का हो जाए या 7 फुट हो, 6 फुट हो, ये आपने लंबाई के हिसाब से देख लेना है, ठीक है। तो आपको मैं इमामा शरीफ बांधने का तरीका बताता हूँ। तो इमामा शरीफ बांधने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आपने लाजमी इमामा शरीफ बांधने की ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है आपने कि आपको इमामा शरीफ कैसा लगा। आप एक और कैप ले लें। वो मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वो मेरे एक इमामा शरीफ तैयार हो गया है, इसलिए मैंने अगले इमामा शरीफ के लिए कैप ले ली थी। तो अब मैं आपको टर्बन इमामा शरीफ बनाने का तरीका बताऊंगा, जो कि ज़्यादातर सऊदी ममालिक में चलता है, सऊदी अरब वगैरह वाली साइड में चलता है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे आप बना सकते हैं। आप क्या करें जी, आप ये लें, ये लें जी। ये ज्यादातर सऊदी ममालिक में इस तरह का टर्बन इमामा चलता है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको टर्बन इमामा कैसा लगा है।